मैंने बीजेपी में भी काम किया है, उसमें भी मेरे पास एक पत्र है, लेकिन मैं संतुष्टिजनक नहीं था उस पार्टी से। तो आप बीजेपी में पहले काम करते थे? जी, मैं कर चुका हूँ बीजेपी। अच्छा। में मेरे पास पद भी रहा है। बाकी जो एट्रोसिटी जितनी भी होती है उसमें कोई पार्टी खुलकर सामने नहीं आती है। एक भी आर्मी जो ऐसी पार्टी है, किसी भी समाज के साथ कोई भी एट्रोसिटी होती है खुलकर सामने आती है और उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो ऐसी पार्टी के साथ क्यों ना हमें लगना चाहिए और क्यों ना उसको आगे बढ़ावा देना चाहिए। तो इस चीज़ को मैंने सोचते हुए भीम आर्मी को ज्वाइन किया। मेरा नाम संजय गुर्जर है। संजय गुर्जर जी, हाँ जी, कहाँ से हैं आप? मैं फरीदाबाद से हूँ। मेरा तो मानना ये है, मेरा क्या, हर वर्ग का, हर समाज का, यहाँ तक कि गुर्जर समाज का आदमी भी आज यही सोच के चला हुआ है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भीम आर्मी से जुड़ने वालों में तादादें गुर्जर समाज से आती हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो पदाधिकारी समीक्षा एवं सम्मान समारोह रहा, इसमें जो है लगभग कितने लोगों को पद दिए गए हैं? आज फरीदाबाद की जिला कार्यकारिणी का जो गठन किया गया है, जिसमें 25 से ज़्यादा जो पदाधिकारियों को नियुक्ति दी गई है, और सभी साथी ऐसे थे जो जिनको काफ़ी दिनों से भीम आर्मी में इत्तेफाक रखते हैं, भीम आर्मी में कार्य कर रहे थे, भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, ऐसे सभी साथियों को नियुक्ति पत्र दे करके सम्मानित किया गया है। और प्रयास यही रहेगा कि जो भीम आर्मी का मिशन है, भीम आर्मी का जो महत्व है, उद्देश्य है, वह जो है आम लोगों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि आज भारत में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना देश में ना प्रदेश में। इसलिए जो है सामाजिक संगठनों का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ज़्यादा जो है उनका कार्य बनता है कि वो जनता की आवाज़ उठाएं और जनता के साथ हो रहे अत्याचार, चाहे महंगाई बढ़ना हो, चाहे वो महिलाओं के साथ अत्याचार वाली बात हो, चाहे अन्य और कोई भी जो भारतीय जनता में के खिलाफ काम हो रहे हैं, उनसे जो है जानकारी दें सब लोगों को। जी, और हमारे साथ विजय किशन जी हैं। विजय किशन जी, एक बढ़ते विस्तार पर क्या कहना चाहोगे? बढ़ते विस्तार पर सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके साथ ही जो माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रभारी हरियाणा प्रदेश माननीय धर्मवीर परवाल जी ने मुझे और भाई सोनू कबीरपंथी को 4 जिलों की जिम्मेवारी दी, और हमने शायद जो समय दिया था सम निश्चित समय से पहले आज फरीदाबाद में, फरीदाबाद के साथियों की मदद से, जिलाध्यक्ष जीतू सिंह की मदद से कुछ नए पुराने साथियों को आज टीम खड़ी कर दी है, और आज के बाद जिम्मेवारी फरीदाबाद के इन लोगों पर ज़्यादा आती है। हम तो सिर्फ इनसे समीक्षा लेंगे। इसके बाद पलवल के जिलाध्यक्ष हैं, पलवल की जिले की टीम भी हम पूरी कर चुके हैं, और अगले एक महीने में ही मेवात और गुड़गांवा को हम पूरा विस्तार कर देंगे। चारों जिलों की जिम्मेवारी हमें मिली हुई थी, और आगे भी अगर इन्होंने, मान्यवर जी ने हमें जिम्मेवारी बढ़ाई, तो हम दोनों साथी वादा करते हैं कि उस पर खरा उतरने की प्रयास करेंगे। नई जिम्मेदारियाँ जिन लोगों को मिली हैं, एक बार उनसे भी जो है बात करेंगे। सबसे पहले सर आपसे बात कर लेते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या रहेगा? मेरा इमरान खान है सर। इमरान खान जी, सर कहाँ से हैं आप? यहीं से, फरीदाबाद से हैं या? जी, मैं पलवल से बिलोंग करता हूँ। अब से पहले मैं पलवल जिला सचिव था, तो अभी मेरे सीनियर ने मुझे प्रमोट करके जिला प्रभारी मेवात बनाया है। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं जो इन्होंने मुझ पर उम्मीद जताई है, विश्वास जताया, मैं उस पर खरा उतरूंगा, और बड़ी मेहनत से मैं भीम आर्मी को जिला मेवात में फैलाऊंगा। धन्यवाद। अच्छा, इससे पहले आप किसी और संगठन या संस्था में काम करते थे? संस्थाओं में मैंने कई पार्टियों में काम किया है, मैंने बीजेपी में भी काम किया है, उसमें भी मेरे पास एक पत्र है, लेकिन मैं संतुष्टिजनक नहीं था उस पार्टी से। तो आप बीजेपी में पहले काम करते थे? जी, मैं कर चुका हूँ बीजेपी। अच्छा। में मेरे पास पद भी रहा है। बाकी जो एट्रोसिटी जितनी भी होती है उसमें कोई पार्टी खुलकर सामने नहीं आती है। एक भी आर्मी जो ऐसी पार्टी है, किसी भी समाज के साथ कोई भी एट्रोसिटी होती है खुलकर सामने आती है और उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो ऐसी पार्टी के साथ क्यों ना हमें लगना चाहिए और क्यों ना उसको आगे बढ़ावा देना चाहिए। तो इस चीज़ को मैंने सोचते हुए भीम आर्मी को ज्वाइन किया। चलिए, काफ़ी चीज़ें आपने क्लियर करी, लेकिन कोई और एक खास बात जो आप भीम आर्मी से जुड़े
जी भीमार भी जो है एक सामाजिक संगठन है, समाज के लिए अच्छा काम करता है। ऐसी और कोई पार्टी नहीं है जो डोर टू डोर जो है समाज के लिए काम करती हो, उनकी जो है डेफिशिएंसियों को समझे, उनके लिए काम करें। तो भीमार भी एक बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसी के लिए हम काम करेंगे आगे जी। कहीं ना कहीं जो ज़मीनी संघर्ष है उससे प्रभावित है। सर सबसे पहले आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम संजय गुर्जर है। संजय गुर्जर जी, हाँ जी। कहाँ से हैं आप? मैं फरीदाबाद से हूँ। अच्छा अच्छा, तो सर जानना चाहेंगे कि क्यों आपको ऐसा लगा कि भीम आर्मी से जुड़ना चाहिए? भीम आर्मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जात पात भेदभाव कुछ नहीं है जी। ये हर तबके को एक साथ लेके चलने वाले और हमेशा न्याय की बात करने वाले, जिससे प्रभावित होकर मैं इस संगठन के अंदर आया। और सबसे बड़ा इसमें मैं श्रेय देता हूँ अपने बड़े भाई जी को, विजय जी को, जिनके कहने में उन्होंने मुझे प्रमोट करा, उन्होंने मेरे को समझाया कि भीम आर्मी कैसे काम करती है, कैसे क्या है, तो उनके उससे होके मैं इसके अंदर आया। मुझे कई घटनाएं याद आ रही हैं जो गुर्जर समाज ने अनुसूचित जाति पर करी, कई सारी घटनाएँ ऐसी, तो इस प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है अगर आप इस मंच पर खड़े हैं? मैं आपको बताता हूँ, ये किसी जाति से या किसी से नहीं होता। जो क्रिमिनल माइंड के आदमी होते हैं, चाहे वो गुर्जर जाति में हो चाहे अदर जाति में हो, उनका किसी जात से किसी काट से कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। और ये तो न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ भी अगर बुरा होता है, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, अगर गलत करता है तो उसके लिए बिल्कुल न्याय पालिका हमारी है, उन्हें बाकायदा उन्हें दंडित होना चाहिए। मेरा तो मानना ये है, मेरा क्या, हर वर्ग का, हर समाज का, यहाँ तक कि गुर्जर समाज का आदमी भी आज यही सोच के चला हुआ है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भीम आर्मी से जुड़ने वालों में तादादें गुर्जर समाज से आती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इसको किसी गुर्जर जाति से या किसी से ऐसा ना जोड़ें, तो ताकि आदमी को ये लगे कि हाँ ये वो है। हाँ ठीक है। अच्छा सर, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो आपकी कोशिश क्या रहेगी, मतलब आगे अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की? मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं अपने समाज में अपने जगह पे लोगों को समझाऊँ भीम आर्मी क्या है, इन्होंने क्या विकास करा है, क्या क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कैसे भाइयों को एक साथ लेके चल रहे हैं। मैं उनको समझाऊँ और उनको अपनी जो हमारी पार्टी की जो मुख्य धारा है, जो इनका मेरेंडम है, जो है, इनको उसके बीच में लेके आऊँ, उनको इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करूँ। आपका सुनाम था, एक बार फिर बता दें। संजय गुर्जर। ये संजय गुर्जर जी थे और काफ़ी अच्छे इनके विचार लगे, और भी साथियों से बात करते हैं। काफ़ी लंबे समय से काम करें लेकिन आज पद मिला और एक जिम्मेदारी बढ़ गई है, आप एक जवाबदेही हो सकती है, तैयार हैं उसके लिए? बिल्कुल तैयार हैं जी। पहले तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। बाबा साहब के विचारों पे हम लोग पहले जनशोषित संघर्ष समिति में 2015 से काम कर रहे थे। भीम आर्मी का जैसे ही गठन हुआ, एक परिवार का गठन हुआ, और आज बहुत खुशी का दिन है, जब परिवार बढ़ता है, परिवार में कोई नया सदस्य आता है तो बड़ी खुशी होती है। आज हमारे पास परिवार बड़ा है और परिवार के साथ में हमें नए ऐसे युवा भी मिले हैं जिसमें मैं भी एक हूँ। जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उस जिम्मेदारी को बखूबी और 100% के साथ में निभाएंगे। जैसे ही वरिष्ठ पदाधिकारियों का निर्देश होगा, जैसे संगठन का निर्देश होगा, उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे और बढ़ाएंगे परिवार को। चलिए, तो ये सागर जी थे, काफ़ी दिन से जो है संगठनों में काम कर रहे थे और कई सारे संगठनों में जो है काम कर रहे थे, उन्होंने भीम आर्मी में जो है उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया, एक जिम्मेदारी दी गई है। सर आपका नाम बताइए। बस सर मेरा नाम ओम प्रकाश है। सर एक बड़ी जिम्मेदारी जो मिली है वो एक बड़ा चैलेंज हो सकता है आपके सामने, क्योंकि अब जो है आपको लिखित प्रमाण पत्र दिए गए हैं, नियुक्ति पत्र दिए गए हैं लिखित में, एक बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे निभा पाएंगे? सर हम उसको दिल से और जान से निभाएंगे, दिमाग से भी निभाएंगे, और जो भी उस पदाधिकारी हमें निर्देश देंगे उनको हम निभाएंगे इसी तरीके से, और कभी संगठन के ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। और देखिए ये सभी वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कुछ अन्य संगठनों में काम कर रहे थे, और आज यहाँ पे बड़े स्तर पे जो है पदाधिकारी समीक्षा एवं सम्मान समारोह किया गया। फरीदाबाद के खिड़ी पुल पे इस वक्त हम मौजूद हैं और तकरीबन 2-3 घंटे लगातार यह सम्मान समारोह चला। उन सभी लोगों को चिन्हित किया जो कहीं ना कहीं किसी वजह से दूसरे संगठनों से नाराज़ थे, पद सम्मान की भी वो वजह हो सकती है, सम्मान ना मिलना या बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कुछ नए साथी भी थे, इसमें कुछ मुस्लिम समाज के भी एक साथी हैं जो पहले भाजपा में काम करते थे और वो भीम आर्मी उन्होंने जो है ज्वाइन किया गया। एक साथी गुर्जर समाज से भी है और वो भी जो है भीम आर्मी में जुड़े हैं।